नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट कोबरा स्मार्ट वॉच ज्वाली में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 3499 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये स्मार्ट वॉच 3499 या उसके अंदर मिलती है तो काफी बढ़िया डील है। लेकिन अगर आपको उसके ऊपर पे करना पड़े तो ये आपके लिए एक एक्सपेंसिव डील होगी। ये है एक रगेड आउटडोर स्मार्ट वॉच रफ एंड टफ बिल्ड क्वालिटी के साथ। इसमें आपको मिलता है कॉलिंग का फीचर, इसमें है 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले विद ऑलवेज ऑन फीचर के साथ, इसमें है 123 स्पोर्ट्स मोड। डिस्प्ले में आपको मिलती है 500 निट्स ब्राइटनेस और ये है 60 हर्ट्ज डिस्प्ले। इसके अलावा इसमें है SpO2 हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर सेंसर, कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल, मल्टीपल वॉच फेसेस, वॉइस असिस्टेंट और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहरे तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर। यूजर मैनुअल, बुक माय शो का वाउचर, गाना प्लस सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए, बोल्ट प्ले ऐप मेंबरशिप वाउचर, वारंटी इन्फॉर्मेशन कार्ड। इस वॉच के लिए आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी और वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और ये है स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर्स, आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे AOD के साथ तो आपको मिलेगा 2 डेज का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। तो वाकई में जो स्मार्ट वॉच है दिखने में काफी बढ़िया है, यूनिक सा लुक है, रगेड स्मार्ट वॉच है, स्पोर्टी डिजाइन के साथ काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। तो केस के लिए यूज किया गया है जिंक एलॉय का मेटल और सिलिकॉन। कहा जाता है कि इसने 15 मिलिट्री टफनेस टेस्ट को पास किया है। साइड में आपको मिलते हैं 2 बटन्स और बीच में है एक माइक और इस साइड में ये है स्पीकर। बैक की बात करेंगे तो बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SpO2 हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर सेंसर। ये जो स्ट्रैप्स सिलिकॉन के हैं जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, 22mm के, इसकी थिकनेस और विड्थ परफेक्ट है। ऊपर में मेटालिक बकल और 2 स्ट्रैप होल्डर। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और होल में अलाइन करना है इस तरीके से। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको ऊपर वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है और जब लोगो दिखाई देगा तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है दाफिट। इसे आपको डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपको इसे करना है ओपन। आपको अपना जेंडर बर्थडे सेट करनी है, इसके अलावा अपनी हाइट सेंटीमीटर में, आपका वेट kg में सेट कीजिए। फिर आपको करना है टिक पे टैप, अलाउ पे टैप कीजिए। ऊपर में लिखा होगा टू ऐड, आपको उस पर टैप करना है। वाइल जिंदी ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ पे टैप कीजिए, फिर से अलाउ पे टैप कीजिए। अब आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। अब आपको यहां पे वेट करना है, यहां पे शो करेगा 086, तो यहां पे शो कर रहा है फायरबोल्ट 086, आपको इस पर टैप करना है। डिवाइस के टैप में जाना है और ऊपर में बैटरी लेवल शो करेगा, मतलब कि समझ जाना कि आपकी वॉच पेयर हो चुकी है आपके फोन के साथ। इसके बाद आपको मिलेगा पेयर करने के लिए एक पॉपअप, आपको वेट करना है, आपको पेयर पे टैप करना है। इससे यह होगा कि अब आप अपनी वॉच में भी कॉल को रिसीव कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉच फेस के बारे में। तो आप यहां से वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, आपको मिलेंगे इनबिल्ट 7 वॉच फेसेस। आप टैप करके इन्हें चेंज कर सकते हो इस तरीके से, 1 टैप में आप देख सकते हो। अगर आपको वॉच फेस को डाउनलोड करना है तो फिर आपको लास्ट में जो लिखा हुआ है फेस गैलरी, आपको उस पर टैप करना है। तो आप यहां पे देखोगे मेरे ऐप में वॉच फेस शो नहीं कर रहे हैं। मैंने कई बार ट्राई किया, बार बार मैंने ट्राई किया, लेकिन यहां पे वॉच फेस लोड नहीं हो रहे हैं। क्या आपके भी ऐप में ऐसा हो रहा है? तो अगर शो करेंगे तो शायद 100 से ज्यादा वॉच फेस यहाँ पे शो करेंगे। हालांकि अभी तो एक भी शो नहीं कर रहा है, ये इश्यू है ऐप में। अगर शो कर रहे हैं तो आपको जिस किसी वॉच फेस को सेट करना है आपको उस वॉच फेस पे टैप करना है और करना है डाउनलोड पे टैप। उसके बाद आपके वॉच में जो वॉच फेस है सेट हो जाएगा।
आप अपनी खुद की फोटो भी सेट कर सकते हो। तो आपको जाना है सबसे पहले वॉच फेस नंबर एक पे, एडिट पे आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग प्रीसेट बैकग्राउंड को सेट करने के लिए, आप इन्हें भी यूज कर सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो लास्ट में आपको मिलेगा चूज फ्रॉम एल्बम का ऑप्शन, आपको इस पर टैप करना है। गैलरी को ओपन कीजिए, जिस फोटो को आपको सेट करना है आपको इस पर टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे कर सकते हो इस तरीके से। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम को आप ऊपर या नीचे शो कर सकते हो, तो यहाँ पे है टाइम पोजिशन, आपको इस पर टैप करना है। मैं चाहता हूं बिलो मतलब कि नीचे, तो टाइम जो है नीचे शो करेगा। इसके अलावा अबो टाइम और बिलो टाइम मतलब कि टाइम के ऊपर और टाइम के नीचे आपको क्या शो करना है, तो मैं चाहता हूं टाइम के ऊपर शो करे डेट और टाइम के नीचे शो करे स्टेप्स। इस तरीके से आप कोई भी दो चीजों को शो कर सकते हो ऊपर नीचे। फिर आपको जो फॉन्ट का कलर है उसे चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है, आपको अपने हिसाब से कलर चेंज करना है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। डिस्प्ले इसका ब्राइट है और शार्प है, इसीलिए जो भी आप पिक्चर सेट करोगे तो काफी अच्छी क्वालिटी में आपको शो करेंगे। आप अपनी वॉच में एक साथ 8 वॉच फेस को सेट कर सकते हो। हालांकि वॉच फेस नंबर 1 और जो 8 है वही चेंज होते हैं, बाकी के वॉच फेस फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पे टैप करना है। फोन के लिए आपको इसे ऑन करना है, अलाउ कीजिए परमिशन को ताकि आप जो कॉल से अपनी वॉच में रिसीव कर सको। इसके बाद एसएमएस के लिए मैसेज को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए। इन ऐप्स में से अब कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको रिसीव करनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है। मैं चाहता हूं ट्विटर, इसे ऑन कीजिए, इनेबल कीजिए। दा फिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो ये कुछ ऐप्स है जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हालांकि अगर आप चाहते हो आपके फोन में जितने भी ऐप्स अवेलेबल है उन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन मुझे रिसीव हो मेरी वॉच में, तो आपको अदर्स को ऑन करना है। लेकिन अगर आप अदर्स को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा, तो अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आपको इसे ऑफ रखना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो फोन में कॉल आ चुका है और वॉच में भी आ चुका है। कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा, वॉच में रिंगटोन प्ले हो रही है और वॉच कर रही है वाइब्रेट। यहाँ पे आपको मिलेंगे दो ऑप्शंस, कॉल को कट करने का और इसे एक्सेप्ट करने का। अगर आपने इसे एक्सेप्ट किया तो आपको मिलेंगे अब 4 ऑप्शन। ये है कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन, यहाँ से आप कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद है कॉल को स्विच करने का ऑप्शन, तो जो कॉल है अब चल रहा है वॉच में, आप चाहते हो कॉल स्विच हो फोन में तो आपको इस पे टैप करना है, जो कॉल है अब चला जाएगा फोन में। अगर आप चाहते हो कॉल वापस वॉच में तो इस पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर सकते हो, वॉच टू फोन और फोन टू वॉच। और ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन, तो अगर आपने इसे म्यूट किया तो सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी। और एंड में है कॉल को कट करने का ऑप्शन। अगर आपने कॉलिंग के फीचर को ऑफ किया तो ऐसे में अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो कैसे शो करेगा ये भी हम देख लेंगे। तो कॉल के फीचर को ऑफ करने के लिए कंट्रोल सेंटर में सबसे पहले टॉगल को ऑफ करना है। इसके बाद अगर कोई कॉल आएगा तो आपको शो करेगा, लेकिन आप उसे अपनी वॉच में रिसीव नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से कॉल का प्रीव्यू शो करेगा आपकी वॉच में। कॉन्टैक्ट का नाम नंबर शो करेगा, आप इसे कट कर सकते हो और इस प्रीव्यू को यहां से रिमूव कर सकते हो इस पे टैप करके। आप देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा। एसएमएस आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है, लेकिन वॉच का डिस्प्ले ऑन हुआ नहीं है, वॉच की है वाइब्रेट। अगर आपको देखना हुआ एसएमएस को तो डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा। ये है वो एसएमएस जो आपने रिसीव किया है। कॉन्टैक्ट का नाम है नंबर शो करेगा, मैसेज कॉन्टेंट, डेट और टाइम। हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करते लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। आप चाहो तो कॉर्नर से यहां पे टैप करके इसे क्लियर कर सकते हो। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो फिर आपको होम पेज पे स्वाइप अप करना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे अपने मैसेज, आपको जिसे रीड करना है उस पे टैप कीजिए रीड करने के लिए। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो व्हाट्सएप आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है, लेकिन वॉच में डिस्प्ले अभी भी ऑन हुआ नहीं है, वॉच की है वाइब्रेट। डिस्प्ले को ऑन कीजिए व्हाट्सएप को देखने के लिए। ये रहा व्हाट्सएप मैसेज, इस तरीके से शो किया जाएगा। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो फिर आपको करना है स्वाइप अप होम पेज पे, और इस तरीके से आप इसे यहां से भी ओपन कर सकते हो। यहां पे आप अपने एक साथ
पांच मैसेज को रीड कर पाओगे। अगर आपको सभी को क्लियर करना हो एक साथ तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का ऑप्शन। आगे है अलार्म, तो आप यहाँ पे एक साथ तीन अलार्म को ऐड कर सकते हो। आपको टाइम पे टैप करना है, टाइम सेट कीजिए आवर मिनट, कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है, उन दिन को आपको चूज करना है, फिर सेव पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप तीन अलार्म को ऐड कर सकते हो। जो भी अलार्म आप ऐड करोगे आप देख पाओगे अपनी वॉच में भी, आप अपनी वॉच से भी इसे ऑन ऑफ कर पाओगे इस तरीके से। और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। आगे शटर मतलब कि कैमरा कंट्रोलर, तो आपको इस पर टैप करना है। वायरलेस इन दी ऐप पे टैप कीजिए, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और आपकी वॉच में ओपन होगा शटर बटन। तो आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो अपनी वॉच में। आप देख सकते हो 3 सेकंड का टाइमर होगा और फोटो कैप्चर हो जाएगी, तो आप शेक करके भी फोटो कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। यहां से आप फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हो, जो भी पिक्चर आप कैप्चर करोगे यहां पे शो करेंगे, और यहां से आप अपने कैमरे को रोटेट कर सकते हो। आगे है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो ये है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और आप अपनी इस वॉच में मैक्सिमम 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो। आपको इस पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है आपको उस कॉन्टैक्ट के सामने नंबर दिखाई देगा, आपको उस नंबर पे टैप करना है। टैप करोगे तो टिक हो जाएगी, इस तरीके से आपको 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है, फिर आपको करना है डन पे टैप। जिस ऑर्डर में ये कॉन्टैक्ट शो कर रहे हैं सेम उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो, 3 बार पे लॉन्ग टैप करके आपको ट्रैक करना है इस तरीके से ऊपर नीचे करने के लिए। अगर आपको इनमें से किसी को भी रिमूव करना हुआ तो आपको स्लाइड लेफ्ट करना है इस तरीके से। रिमूव करने के लिए माइनस के साइन पर टैप करके आप इसे रिमूव कर सकते हो, ऐड करने के लिए प्लस के साइन पर टैप करके ऐड कर सकते हो, सेव करने के लिए कीजिए डन पे टैप। आपको अपने इस कॉन्टैक्ट में ऐसा कोई भी नंबर ऐड नहीं करना है जिसमें हैश या स्टार हो। अगर ऐसा कोई नंबर होता है तो आपके ये सारे कॉन्टैक्ट्स आपकी वॉच में सिंक नहीं होंगे। तो ये जो सारे कॉन्टैक्ट्स है सिंक हो चुके हैं। फिर आपको जाना है बैक और आगे है अदर्स मतलब की सेटिंग्स। इसमें सबसे पहले है फाइंड डिवाइस, तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 2 चीजें। आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट 3 बार। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते, जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप टाइम फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, तो यहां पे है टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन। आपको कौन से फॉर्मेट में टाइम को शो करना है अपनी वॉच में, तो आपको यहां पे टाइम फॉर्मेट चूज करना है, फिर करना है डन पे टैप। यूनिट सिस्टम और लैंग्वेज आपको सेम रखनी है, आपको इन्हें चेंज नहीं करना है। इसके बाद है डीएनडी, तो अगर आपको डीएनडी यूज करना है तो आपको सबसे पहले टाइम सेट करना है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान डीएनडी काम करेगा। अब डीएनडी काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी कॉल और मैसेज नहीं आएंगे और कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। आगे है रिमाइंडर्स टू मूव मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर, तो अगर आपने इसे ऑन किया तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली 1 घंटे के दौरान, ना आप चले ना आप उठे, तो आपको सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक हर घंटे आएगा एक अलर्ट आपकी वॉच में कि अब आपको चलना चाहिए उठना चाहिए। आगे है कंटिन्यूअस हार्ट रेट डिटेक्शन मतलब कि ऑटोमेटिक हार्ट रेट का ऑप्शन, तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर हो तो आपको टाइमर सेट करना है। मान लेते हैं मैंने सेट किया है 20 मिनट, मतलब कि मेरी वॉच में अब हर 20 मिनट के बाद हार्ट रेट मेजर होता रहेगा ऑटोमेटिकली। आप जितना टाइमर कम रखोगे उतनी बैटरी ड्रेन ज्यादा होगी आपकी वॉच में, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप चाहते हो बैटरी को सेव करना तो आपको इसे यूज नहीं करना है, मैं करूंगा इसे क्लोज, मतलब कि मेरी वॉच में अब ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर नहीं होगा। मैं जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकता हूं बड़ी आसानी से। आगे है कंट्रोल फोन म्यूजिक, तो अगर आप अपने फोन के म्यूजिक को कंट्रोल करना चाहते हो अपनी वॉच में प्ले करना चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। बैटरी सेविंग का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको अपनी वॉच में बैटरी को सेव करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। हालांकि अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 4 चीजें। कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा, ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा और जो रेस्ट वेक का फीचर है वो भी काम नहीं करेगा। आगे है ऑटो लॉक मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट, तो यहाँ पे ऑप्शन है अलग अलग 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड। अब मैंने सेट किया है 5 सेकंड, इसका मतलब है कि डिस्प्ले को अगर मैंने ऑन किया तो अभी 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आप 10 या 15 सेकंड यूज कर सकते हो, मतलब कि अगर मैंने 15 सेकंड सेट किया है तो डिस्प्ले अब इसका 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। और ये है रिसेट करने का ऑप्शन, मतलब कि अगर आपको अपनी वॉच में जो भी डेटा है आपका, जो भी सेटिंग्स आपने अप्लाई की है
सभी को डिलीट करना हुआ तो आप रिसेट करके उन सभी को डिलीट कर सकते हो। यह है क्विक व्यू मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। तो आपने अगर इसे ऑन रखा है मतलब कि अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आप अपनी वॉच को ऊपर करोगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, इसे कहते हैं रेस्ट वेक का फीचर या क्विक व्यू। हालांकि ये थोड़ा स्लो है। तो जब आप अपनी वॉच को पहनोगे अपनी कलाई पे, बस आपको अपनी कलाई को टिल्ट करने ऊपर की ओर, डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा। हालांकि आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। आपको ऑल डे पे टैप करना है, जो टाइम आप सेट करोगे उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा आपकी वॉच में। ड्रिंक वाटर रिमाइंडर का फीचर है मतलब कि आप अपनी वॉच में पानी पीने के रिमाइंडर को भी सेट कर सकते हो। आपको इसे ऑन करना है। सबसे पहला रिमाइंडर आपको कब चाहिए, तो जो सुबह का टाइम है आपको सेट करना है। मैं चाहता हूं सुबह के 9 बजे पहला रिमाइंडर आए। इसके अलावा आपको कितनी बार पानी पीना है, मैं चाहता हूं 6 बार, तो जो फ्रीक्वेंसी है आपको सेट करनी है। और आपको हर कितने घंटे के बाद ये रिमाइंडर चाहिए, तो मैं यहां पे सेट करूंगा 2 घंटे मतलब कि 120 मिनट। तो मुझे हर रोज हर 2 घंटे आएगा पानी पीने का अलर्ट, ऐसा होगा 6 बार मेरी वॉच में। आगे है हार्ट रेट वार्निंग। तो अगर आपने इसे ऑन किया और अगर आपने मान लेते यहां पे सेट किया है 150, तो अगर मेरा हार्ट रेट कभी भी 150 या उसके ऊपर जाता है तो मुझे आएगा मेरी वॉच में एक अलर्ट कि अब आपका जो हार्ट रेट है अपर लिमिट के ऊपर जा चुका है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो अलर्ट, तो आपको इसे ऑन करना है। अगर आप अपनी वॉच में अपने लोकेशन का वेदर चेक करना चाहते हो, तो आपको सिटी पे टैप करके अपनी सिटी को यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि मुंबई, मुंबई पे आपको टैप करना है, मुंबई का वेदर शो करेगा आपकी वॉच में। और ये है फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर। तो अगर आप एक फीमेल हो और अगर आपको अपने पीरियड को ट्रैक करना हुआ, तो आपको इसे ऑन करना है। साइकिल डेज आपको सेट करना है अपने हिसाब से, हर कितने दिन के बाद आपको पीरियड आता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल डेज, कितने दिन के लिए आपको पीरियड रहता है, तो आप अपने हिसाब से जो डे है सेट कीजिए। लास्ट टाइम आपको कब आया था पीरियड, जो डेट है आपको उसे सेट करनी है। रिमाइंडर मोड पे टैप करके आपको करना है मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर पे ऑन। बैक जाइए, आगे है रिमाइंडर टाइम। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको रिमाइंडर आएगा आपकी वॉच में पीरियड के लिए, तो कितने बजे चाहिए रिमाइंडर, तो आप जो टाइम है सेट कर सकते हो। मैंने किया है सुबह के 9 बजे। और ये है साइकिल कैलेंडर। तो अगर आपको देखना हुआ आपका साइकिल कैलेंडर, तो यहाँ पे आप मंथ और ईयर को भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। बैक जाओगे तो लास्ट में है वॉच के फर्मवेयर को अपडेट करने का ऑप्शन। तो आप इस पर टैप करके अपडेट को चेक कर सकते हो और यहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। हालांकि अब यहाँ पे है अप टू डेट। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की। तो आपको प्रोफाइल के टैप पे टैप करना है। प्रोफाइल पे टैप करके आप अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट, स्टेप लेंथ मतलब कि कदमों की लंबाई जब चाहे तब चेंज कर सकते हो यहां से। इसके बाद है गोल मतलब कि आपके डेली स्टेप गोल, आपको रोजाना कितने स्टेप चलने हैं, तो आप अपना जो डेली स्टेप गोल है यहां से चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। यह है बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड मतलब कि अगर आप चाहते हो आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो और ये जो ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे, तो आपको करनी है 2 चीजें। आपको इस ऐप को ओपन करना है रिसेंट ऐप में। ऐप आइकन पे टैप कीजिए, लॉक दिस ऐप, या आपके फोन में लिखा होगा कीप ओपन या होगा लॉक का आइकन, आपको इस पर टैप करना है। इसके बाद आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और आपको सेट करना है पहले पे अनरिस्ट्रिक्टेड पे। और ये है गूगल फिट का ऑप्शन। तो अगर आप गूगल फिट का यूज करते हो और अगर आपको अपने दा फिट ऐप के डेटा को सिंक करना है गूगल फिट ऐप में, तो आपको इस पे टैप करके करना है कनेक्ट पे टैप। तो इस दा फिट ऐप में आपका जो भी डेटा है आपका, जैसे कि हार्ट रेट, SPO2, स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी, एनर्जी, तो इन सभी डेटा को आप गूगल फिट में भी देख पाओगे। दोनों ऐप में आपका डेटा सिंक रहेगा। अगर आप चाहते हो ऐसा, तो आपको कनेक्ट पे टैप करना है और करना है सिंक। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको शो करेगा आपका एक्टिविटी और वाइटल डेटा। तो आप इसे रिफ्रेश कर सकते हो स्वाइप डाउन करके इस तरीके से। यहां पे शो करेगा आपका आज का डेटा, ये है स्टेप्स के लिए। तो टैप करोगे तो आज आप कितने स्टेप चले हो, कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी कैलोरी आपने बर्न की है, और कितना टाइम आप एक्टिव रहे थे आज। इसके अलावा आप जो भी अपना वाइटल मेजर करोगे अपनी वॉच में, जैसे कि आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और SPO2, तो उसका डेटा आप यहां पे चेक कर सकते हो डिटेल में। अगर आपको जानना हो डिटेल में, तो आपको हिस्ट्री के आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे शो करेगा कि आपने कब कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट। और ये है स्लिप डेटा। तो अगर आप चाहते हो आपका स्लिप डेटा मेजर हो आपकी वॉच में, तो आपको सोते हुए अपनी वॉच को पहनना है। अगर आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड नहीं भी होगी, फिर भी आपकी वॉच में रिकॉर्ड होगा आपका स्लिप डेटा, और यहाँ पे शो करेगा। टैप करके आप चेक कर सकते हो आप कितना टाइम सोए, आपका स्लिप स्कोर। इसके अलावा आपके अलग अलग स्लिप स्टेजेस, जैसे कि अवेक टाइम, डीप स्लिप, लाइट स्लिप का टाइम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लास्ट 7 डे का रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पे शो करेगा। आप अपनी वॉच में जो भी वर्कआउट करोगे, अगर आपको उस वर्कआउट का डेटा चेक करना हो डिटेल में, तो आपको लास्ट में मिलेगा ऑप्शन लुक मोर,
ट्रेनिंग डेटा, इस पर टैप कीजिए। तो यहां पे आपके शो करेंगे वर्कआउट जो भी आपने किए हैं आपकी वॉच में, आप उस पर टैप करके डिटेल में चेक कर सकते हो सभी वर्कआउट को। अब देखते हैं आपको अपनी वॉच की वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है। तो आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, एड्रेस बार में लेंस का आइकन होगा, आपको उस पर टैप करना है, कैमरा पर टैप कीजिए और जो वारंटी कार्ड है उसमें QR कोड होगा, आपको उसे स्कैन करना है इस तरीके से। फिर आपको यहां पे शो करेगा URL, सर्च पर टैप कीजिए तो यहां पे ओपन होगा वारंटी फॉर्म। आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपने इस स्मार्ट वॉच को कहां से परचेस किया है? तो मैंने परचेस किया है फायरबोल्ट की वेबसाइट से, तो मैं करूंगा अदर्स। आपको अपनी स्मार्ट वॉच यहां से चूज करनी है, तो ये है 086 फायरबोल्ट कोबरा, इस पर टैप कीजिए और आपको यहां पे सेट करना है नो और करिए नेक्स्ट पे टैप। इसके बाद आपको करना है एंड में सबमिट, उसके बाद आपकी वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। आपने अपने वॉच की वारंटी को तो एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी वॉच में, अगर आपको अपनी वॉच की वारंटी को क्लेम करना है, तो बॉक्स के बैक साइड में आपको मिलेगा नंबर और इनका ईमेल आईडी, आपको कॉन्टैक्ट करना है इस नंबर पे, टेलीफोन नंबर और ये रहा इनका ईमेल आईडी। तो हमने अपनी वॉच को सेटअप कर लिया है इस ऐप के जरिए। अब हम देखेंगे आपको अपनी वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है दो बटन्स और दोनों का है एक कॉमन फंक्शन। तो डिस्प्ले अगर ऑफ है आपकी वॉच में, अगर आपको इसे ऑन करना हो तो आप किसी भी बटन पे प्रेस करके इसे ऑन कर सकते हो इस तरीके से। ऊपर वाले बटन के हैं तीन फंक्शन, तो अगर आप होम पेज पे हो ऐसे में अगर आप इस पर प्रेस करोगे तो आप डिस्प्ले को ऑफ या ऑन कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको जाना हुआ स्टेप बाय स्टेप बैक, तो आपको इस पर प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा स्विच ऑफ करने का ऑप्शन, आपको टिक पे टैप करना है स्विच ऑफ करने के लिए। नीचे वाले बटन के हैं दो फंक्शंस, तो अगर आप किसी भी स्क्रीन पे हो अगर आप इस पर प्रेस करोगे तो आप वर्कआउट मोड को एक्सेस कर पाओगे इस तरीके से, ये है वर्कआउट मोड। और अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप जो वॉच फेस है उन्हें चेंज कर सकते हो ऐसे स्वाइप करके इस तरीके से, आपको जिसे सेट करना है उस पर टैप करना है। आप वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करके भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, आपको ऐसे स्वाइप करना है और सेट करना है। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आप अपने जो मैसेज है यहां पे रीड कर सकते हो, और होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, डेट और बैटरी लेवल यहां पे शो करती है ऊपर में। सबसे पहला टॉगल है कॉल के फीचर को ऑन ऑफ करने का, तो ये ऑन है मतलब कि आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव कर पाओगे। अगर आपको अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना है तो आप इसे यहां से ऑफ कर सकते हो। अब कॉल शो करेंगे आपकी वॉच में लेकिन आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे। ये है वाइब्रेशन को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो आप इस पर टैप करके वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। ब्राइटनेस को सेट करने का ऑप्शन है, आप स्लाइड करके यहां से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। यह है फ्लैश लाइट, तो आप यहां पे टैप करके इसे ऑन कर सकते हो वन टैप में। यह है थिएटर मोड, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में होंगी दो चीजें, ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी और जो वाइब्रेशन है ऑफ हो जाएगा इस तरीके से। वेदर का ऑप्शन दिया गया है, तो अभी फिलहाल कितना वेदर है यहां पे आप चेक कर सकते हो, टैप करोगे तो अभी फिलहाल कितना वेदर है और आने वाले अगले 6 दिन का वेदर आप चेक कर सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के साथ। और लास्ट में है सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है डिस्प्ले और इसमें पहले है ऑटो स्लीप, तो आपको कितने सेकंड के लिए डिस्प्ले को ऑन रखना है, हमने सेट किया था 15 सेकंड, आप यहां से भी उसे सेट कर सकते हो। फिर है मेनू व्यू, तो आपको जो मेन मेनू है कौन से स्टाइल में शो करना है, तो लिस्ट व्यू मतलब कि आपको इस तरीके से मेन मेनू शो करेंगे वर्टिकल लिस्ट में। और अगर आप सेट करोगे ग्रिड पे तो इस तरीके से शो करेंगे आपके मेन मेनू। ब्राइटनेस को आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो स्लाइड करके। इसके बाद है वॉच फेस, आप यहां से भी चेंज कर सकते हो। आगे है वाइब्रेशन इन रिंगिंग, मतलब कि अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो आपको अलर्ट कैसा चाहिए, तो टैप कीजिए यहां पे मोड। तो अगर आपने सेट किया है वाइब्रेशन पे, तो अगर आपको कोई भी कॉल आएगा तो आपकी वॉच में होगा केवल वाइब्रेशन। अगर आप करोगे वाइब्रेशन इन रिंगिंग, तो आपकी वॉच में अगर कोई भी कॉल आएगा तो आपकी वॉच में रिंगटोन भी प्ले होगी और वाइब्रेशन भी होगा। अगर आपको आपकी वॉच को करना है साइलेंट पे सेट, तो आपको ऑफ पे टैप करना है, मतलब कि अगर कोई भी कॉल आएगा तो आपकी वॉच में रिंगटोन भी नहीं बजेगी और वाइब्रेशन भी नहीं होगा। वाइब्रेशन को आपको कौन से लेवल पे सेट करना है, तो यहां पे मिलेंगे आपको तीन ऑप्शन। अगर आपको अपनी कलाई पे ज्यादा वाइब्रेशन फील करना है तो स्ट्रॉन्ग पे सेट कीजिए, अगर आपको हल्का सा वाइब्रेशन चाहिए तो सॉफ्ट पे सेट कीजिए, अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए अलर्ट के लिए तो आपको ऑफ पे सेट करना है। लो पावर मोड मतलब कि बैटरी सेवर मोड, जिसे हमने देखा था ऐप में, अगर आप इसे ऑन करोगे तो होंगी
चार चीजें, इसे आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये है थिएटर मोड, आप यहां से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। ये है फोन कॉल का फीचर, आप यहां से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये है कॉल रिसेट, मतलब कि अगर आप इसे रिसेट करोगे तो आपने जो भी कॉन्टैक्ट सेव किए हैं आपके वॉच में और जो भी आपकी कॉल हिस्ट्री है दोनों हो जाएंगी डिलीट। अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो आपको इस पर टैप करना है। आगे है एआई वॉइस, तो आपके फोन में जो भी गूगल असिस्टेंट, सीरी या बिक्सबी है तो आप उसका यूज कर पाओगे, आपको टैप करना है। हाउ इज द वेदर टूडे, इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आपका फोन लो होता है फिर भी ये फीचर काम करेगा। जैसे कि अगर मुझे कहना है व्हाट इज 20% ऑफ 500, आंसर इज 100। आगे है स्क्रीन क्लोक, मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, तो यहां पे मिलेंगे आपको तीन ऑप्शन। क्लोज का मतलब कि इसे यूज ना करने का, हालांकि इस वॉच में ऑलवेज ऑन का फीचर रात के 10 से लेकर सुबह के 8 बजे तक काम नहीं करेगा। अगर आपने इसे सेट किया एनालॉग पे तो इस तरीके से जो क्लॉक है शो करेगी आपकी वॉच पे। तो ये जो वॉच है सुबह के 8 से लेकर रात के 10 बजे तक शो करेगी। अगर आप सेट करोगे डिजिटल पे तो इस तरीके से क्लॉक शो करेगी। अच्छी बात है कि आपने जो फोटो सेट की है वो फोटो भी शो होगी बैकग्राउंड में, और इसकी जो ब्राइटनेस है एओडी की वो भी इनफ है, मतलब कि आप आउटडोर में भी टाइम को देख पाओगे डिस्प्ले को बिना ऑन किए। हालांकि अगर आपने एओडी को ऑन किया है तो जो रेस्ट वेक का फीचर है वो काम नहीं करेगा, आप देख सकते हो। आगे है फाइंड फोन, तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपसे वो मिसप्लेस हो गया है, तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट पे होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी, टैप कीजिए। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। फिर है सिस्टम, जिसमें आपको मिलेंगे तीन ऑप्शन, इस वॉच को रिस्टार्ट करने का, स्विच ऑफ करने का और इसे रिसेट करने का, और लास्ट में है अबाउट। तो आप वर्जन पे अगर आप टैप करोगे और यहां पे लगातार 5 बार टैप करोगे तो यहां पे आप जो स्पीकर है उसे टेस्ट कर सकते हो कि आपके स्पीकर का जो मैक्सिमम आउटपुट है कितना है, यहां पे आप चेक कर पाओगे इस तरीके से। होम पेज पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेंगे शॉर्टकट, सबसे पहले है स्टेप्स, मतलब कि आज का डेटा, आज आप कितने स्टेप चले हो, कितनी कैलोरी आपने बर्न की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। इसके बाद है स्लीप डेटा, तो आप कितने घंटे सोए, इसके अलावा आपका लाइट स्लीप, डीप स्लीप का टाइम और लास्ट 7 डे का यहाँ पे रिकॉर्ड शो करेगा ग्राफ वाइज। आगे है आपका हार्ट रेट मेजर करने का ऑप्शन, टैप कीजिए हार्ट रेट को मेजर करने के लिए। यहाँ पे शो होगा अभी का रिजल्ट, और नीचे अगर आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम शो करेगा आज का डेटा। आगे है ब्लड प्रेशर, तो आपको टैप करना है मेजर करने के लिए। यहाँ पे शो होगा एसबीपी डीबीपी, इसके अलावा आज का मैक्सिमम एसबीपी डीबीपी यहाँ पे शो करेगा। आगे है SpO2, मतलब कि ब्लड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे टैप करना है मेजर करने के लिए, और नीचे आपको शो करेगा आज का मैक्सिमम मिनिमम और अभी का यहाँ पे रीडिंग। इसके आगे है वेदर, जो हम देख चुके हैं। ऐड कंपोनेंट, तो आप जो शॉर्टकट से उन्हें ऐड कर सकते हो, आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट, अगर आपको किसी को भी ऐड करना हुआ तो टैप कीजिए। इस तरीके से आप वन बाय वन सभी को ऐड कर सकते हो प्लस के साइन पे टैप करके। तो मैंने सभी शॉर्टकट्स को ऐड कर लिया है, अगर आपको इनमें से किसी को भी रिमूव करना हुआ तो आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है, माइनस के साइन पे टैप करना है उसे रिमूव करने के लिए, अगर आपको उसे रखना है तो बीच में टैप कीजिए। तो इसके बाद है स्टॉपवॉच, तो आप इस तरीके से स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे लैप देने का भी ऑप्शन दिया गया है। जो स्टॉपवॉच है बैकग्राउंड में वर्क नहीं करती। आगे है अलार्म, जो भी आपने अलार्म सेट किया आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे, आप इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। आगे है म्यूजिक प्लेयर, टैप कीजिए प्ले करने के लिए। अगर म्यूजिक प्ले नहीं हुआ तो आपको अपने फोन में म्यूजिक ऐप को ओपन करना है, प्ले करना है, पॉज करना है, इसके बाद वॉच में प्ले कीजिए, प्ले होगा। वॉल्यूम को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, हालांकि आप यहाँ पे प्रीवियस, नेक्स्ट कर सकते हो। जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है वॉच में, अगर आप चाहते हो म्यूजिक वॉच में प्ले ना हो, म्यूजिक प्ले हो फोन में, तो आपको जाना है आपके फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए, और जो ऑडियो फायरबोल्ट लिखा हुआ है उसके सामने गियर का आइकन होगा उस पर टैप कीजिए। ऑडियो के टोगल को आपको ऑफ करना है, इसके बाद अगर मैं प्ले करूंगा म्यूजिक तो प्ले होगा फोन में। अगर आपने इस ऑडियो के टोगल को ऑन रखा है, मतलब कि जो भी आप मीडिया प्ले करोगे आपके फोन में
फिर चाहे कोई भी म्यूजिक हो, वीडियो हो, यूट्यूब हो, तो उसका जो साउंड होगा प्ले होगा आपकी वॉच में। लेकिन अगर आप चाहते हो जो भी आप मीडिया प्ले करते हो आपके फोन में उसका साउंड फोन में ही प्ले हो, तो आपको इसे ऑफ रखना है। इसके आगे है शटर, आपको टैप करना है, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। लेकिन अगर कैमरा ओपन नहीं हुआ तो आपको दांत फिटे आपको ओपन करना है, उसके बाद ही कैमरा ओपन होगा, फिर से टैप कीजिए। तो ये जो फीचर है तभी काम करता है जब दांत फिट ऐप आपके फोन में ओपन होगा। अगर ऐप ओपन नहीं होगा तो ये फीचर काम नहीं करेगा। फिर आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो अपने फोन में। इसके आगे है एक्सरसाइज रिकॉर्ड, मतलब कि जो भी आप वर्कआउट करोगे आपकी वॉच में उसका डाटा यहाँ पे शो किया जाएगा। इसके आगे है कॉल का फीचर, आपको मिलेंगे यहाँ पे तीन ऑप्शन। पहला है कॉन्टैक्ट का, जो भी आपने 8 कॉन्टैक्ट ऐड किए आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे, आप इन्हें देख सकते हो इस तरीके से। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। और यह है डायल पैड, तो आप यहां से किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से। डायल पैड में जो सिंबल से आप उन्हें भी यूज कर सकते हो, आपको उस नंबर पे लॉन्ग टैप करना है स्टार हैश और प्लस को ऐड करने के लिए। और यह है रिसेंट कॉल, तो जो भी आपकी कॉल हिस्ट्री है यहां पे शो होगी। यहां पे आप देख पाओगे आपके पिछले 4 कॉल्स, अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। हालांकि आप अपने रिसेंट कॉल्स को यहां से क्लियर नहीं कर सकते। इसके आगे है कैलकुलेटर, तो आप यहां पे कैलसी का यूज कर सकते हो, बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके आगे है पीरियड ट्रैकर, तो अगर आपने पीरियड ट्रैकर को ऑन किया है आपके ऐप में तो यहां पे शो होगा, तो कितने दिन बाकी है पीरियड के लिए या कौन सा दिन चल रहा है आप यहां पे चेक कर सकते हो इससे डिटेल में। इसके आगे है टाइमर, तो यहां पे आपको मिलेंगे अलग अलग प्रीसेट, मैक्सिमम है 2 आवर का टाइमर, जो टाइमर है बैकग्राउंड में भी सपोर्ट करता है। इसके आगे है मैसेज, आप यहां से भी रीड कर सकते हो अपने मैसेज को। होम पेज पे अगर आप सिंगल राइट स्वाइप करोगे तो आपको मिलेगा स्प्लिट विंडो, तो यहां पे शो होगा टाइम डेट वेदर और 6 एप्स जो आपने रिसेंटली यूज किए हैं। आपके यूसेज के हिसाब से ये जो 6 एप्स है चेंज होते रहेंगे और आप इन्हें यही से ओपन कर सकते हो टैप करके। होम पेज पे अगर आप 2 बार राइट स्वाइप करोगे तो आपको मिलेगा मेन मेनू इस तरीके से। सबसे पहले है स्टेप्स, फोन कॉल, हार्ट रेट, स्लीप, SpO2, ब्लड प्रेशर, और ये है ट्रेनिंग, मतलब कि वर्कआउट मोड, तो आपको इसे ओपन करना टैप करके। यहां पे आपको मिलेंगे 20 वर्कआउट मोड, हालांकि आपके पास ऑप्शंस है 123, लेकिन आप यहां पे एक साथ 20 वर्कआउट मोड को ही सेट कर सकते हो। अगर आपको ऐड करना हुआ तो नीचे मिलेगा आपको ऑप्शन प्लस का, आपको उस पर टैप करना है। आपको जिस स्पोर्ट्स को ऐड करना है उस कैटेगरी को आपको ओपन करना है, जैसे कि मुझे ऐड करना है क्रिकेट, तो आप प्लस के साइन पर टैप करके स्पोर्ट्स को ऐड कर सकते हो इस तरीके से। तो मैंने 3 स्पोर्ट्स ऐड किए, तो बैक जाओगे तो ऊपर में आपको शो करेंगे टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट जो मैंने ऐड किए हैं। अब मैंने 3 ऐड किए हैं, मतलब कि नीचे से जो 3 थे पुराने वो रिमूव हो जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। तो यहां पे शो करेगा कितना टाइम हुआ है, स्टेप्स आप कितने चले हो, कैलोरी, आपका ब्लड प्रेशर, ये है आपका रियल टाइम हार्ट रेट यहां पे शो करेगा। और इसके बाद है इसे पॉज करने का ऑप्शन, रिज्यूम करने का ऑप्शन और इसे एंड करने का ऑप्शन। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो आपके ऐप में और आपके वॉच में, तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। ऐप डाउनलोड जो हम पहले ही कर चुके हैं, दांत फिटे ऐप को डाउनलोड करने के लिए QR कोड आपको स्कैन करना है। दोस्तों ये था फायरबोल्ट कोबरा का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।